कोर्ट के आगे किसी कस्टडी के लिए आती है तो पीएमएलए कानून ऐसा है उसमें कस्टडी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जिन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा जो माने संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को किस आपने कोई पैसा दिया, बोला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? बात ये हुई कि 1 अगस्त को इस शख्स को बेल मिला, ये बना अप्रूवर, और अप्रूवर बनने के बाद 14 अगस्त को ये स्टेटमेंट देता है। उस पर क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? वो नेचुरल सी बात है, किसी का तुम कान फाड़ोगे, किसी का दांत तोड़ोगे, किसी की परिवार को धमकी दोगे, आप इस शर्त पे कि भाई तुमको तभी छोड़ेंगे जब तुम इन इन व्यक्तियों का नाम लोगे, तो संजय सिंह का छोड़ो, वो तो मोदी का नाम ले ले। सर, ईडी ने कुल कितने करोड़ रुपए लेन देन का आरोप लगाया है? कहा है कि 2 बार में 1-1 करोड़ रुपए हुए, फिर 1 करोड़ रुपए बाद में किसी के। ये तो ईडी से पूछो भैया जी, ये तो जीरो मेरे हिसाब से ये सब हवा हवाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है इसको, माननीय न्यायालय भी देख रहे हैं इसको, हवा हवाई है। एक नए धेले की रिकवरी नहीं, एक नए धेले का ट्रेस नहीं, एक नए धेले का एविडेंस नहीं, तो कौन किसकी पैसा? ठीक है सर, जो बयान जो 27 मार्च को हो चुके थे, मार्च में हो गए थे कई लोगों के, उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, रखा रहा, अब आकर कार्रवाई की गई, इस पे बचाव पक्ष का भी सवाल था, कोर्ट का भी सवाल था, उसके बारे में ईडी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भी उन्हें धमकी दी गई थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनका क्या किसी का नाम ना ले। सर, ये क्या मामला है, किस वजह से ऐसा ईडी को कहना पड़ा? आपको लग रहा है कि इस देश में इन्फ्लुएंसर संजय सिंह और सोमनाथ भारती हो सकते हैं? इस देश में इन्फ्लुएंसर वो होगा जिसके हाथ में आज ईडी है, सीबीआई है, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो पावर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले। तो ईडी के सारे आर्गुमेंट्स ध्वस्त हैं, 5 दिन वेट करो, सब काम हो जाएगा। उससे पूछा गया कि भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया, तो कहा नो नेवर, ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर, तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है। लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की स्टेटमेंट कहां मान्यता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा, और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, दो ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई, और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर, किस तरीके से देखते हैं? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको, इसका जवाब नहीं। तो सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है, और मैं आपको बता दूं सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया, और मोदी जी को मजबूर किया कई बार, पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स एक्शन होगा, क्या आपका कोर्ट जाना है अभी, या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें, इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी, अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई, आज ये कोर्ट में बताया गया
कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं, इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है किस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है, जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा, दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा।